बीचों बीच से ले रहा है माँ का भोसड़ा इसे। मुझे इस रास्ते का कोई भी आइडिया नहीं है, देर में अंधेरा छा जाएगा। आप तो गई अपनी बाइक तो गई काम से, क्योंकि यार बाइक के पूरे पूरे नट बोल्ट ढीले हो जाएंगे। ये खराब रास्ता जो है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है यार। इस रास्ते से हड्डियाँ एक जगह पे आ जाएगी, पूरी हड्डियाँ टूट जाएगी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और गाइज आज का जो व्लॉग स्टार्ट किया है लगभग शाम के 4:45 हो रहे हैं, और भाई अभी स्टार्ट किया है। तो भाई अब मेरा प्लान बन चुका है यहाँ से धर्माबाद राइड करने का। धर्माबाद यहाँ से लगभग 130 किलोमीटर के आसपास है, 130 किलोमीटर राइड होगी। और मेरे साथ आज माधव आने वाला है, उसी के गांव के लिए आज जाने वाले हैं। तो भाई ये फटाफट से रेडी हो जाएंगे, और यहाँ पे अपनी बाइक पूरी तरह से रेडी कर दी है। ये रहे हेड ग्लोव्स जो कि नाइट में हमें काम करने आने वाले हैं, और ये रहा हेलमेट। और हेलमेट के साथ साथ आज अपनी जो बाइक है एकदम पूरी तरह से रेडी है। ये ऑरेंज कलर का टैंक कवर डाल दिया है, और ये रहा अपना शीट कवर जो कि कल डाल दिया है मार्केट में जाकर। तो भाई अभी है ना शाम के 4:45 4:45 हो रहे हैं, और भाई मुझे यहाँ से निकलने के लिए अभी 10-15 मिनट बाकी है, क्योंकि माधव गया है रूम में अंदर रेडी होने के लिए। तो भाई फटाफट से रेडी होके है ना यहाँ से राइड स्टार्ट कर लेते हैं। और तो गाइज अभी माधव भैया रेडी हो चुके हैं, और भाई अभी फाइनली हम 5:10 बाकी है, तो भाई निकल चुके हैं। और माधव भैया रेडी होने में माधव भैया ने थोड़ा सा टाइम लगा दिया, और भाई अब राइड चालू हो चुके हैं। जय बजरंगबली की जय हो, बोल बजरंगबली हनुमान महाराज की जय हो। तो भाई चलो अब राइड यहाँ से स्टार्ट, बजरंगबली का नाम लेकर राइड स्टार्ट हो गई है। गणेशाय नमो नमः। चलो शुक्रवार आराम से राइड करेंगे। चलो अब ये आ चुका मेन रास्ता अपना जो कि यूनिवर्सिटी का है। गाइस मैं तो अब लग चुका हूँ लातूर हाईवे के लिए, और लातूर नांदेड़ हाईवे ये जो नांदेड़ के अंदर जाने वाला रास्ता है। बट हमें सिटी के अंदर तो कुछ काम नहीं है मुझे, बट देख लेते सिटी से बाहर ही से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुख्य जो रास्ता है ना वो सिटी के बाहर से होते हुए जाएगा। अब यहाँ से मुख्य जाना पड़ेगा वही पहले। गाइस अब सिटी के तो बाहर निकल चुके हैं। ये जो नागपुर बाईपास हाईवे है ना, सिटी का पूरा बाईपास रास्ता ही है। और इस रास्ते से भाई धूल खाते हुए निकल चुका हूँ मैं, इतनी बढ़िया धूल है। ये देखो भाई कितनी धूल है, और पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो इसलिए है ना धूल खाते खाते निकलना पड़ रहा है। क्या करें, अब यहाँ से मुझे लेना पड़ेगा राइट में जो कि मुखेड़ के लिए जाने वाला रास्ता है। ये लग गए गाइस अभी मुखेड़ हाईवे के लिए, और भाई मुखेड़ जो रास्ता है अभी यहाँ से वो निकलने वाला है। तो भाई साहब ये धूल मिट्टी से है ना काफ़ी परेशानी हो रही है। गाइस जिस रास्ते से मैं निकल चुका हूँ ना, उस रास्ते का अभी काम चालू है कंस्ट्रक्शन का। एक साइड बंद है पूरा, और एक साइड खुली कर दी है। और भाई ऐसे रास्ते मिलेंगे ना यार तो 2 घंटे की जगह है ना 4 घंटे लग जाएंगे जाने में। तो भाई फाइनली यार अच्छा खासा रास्ता लग चुका है, अब देखेंगे इस रास्ते से कितनी स्पीड मिलती है अपनी बाइक को, और फटाफट से है ना निकल जाएंगे यार। गाइस अब मज़ा आ रहा है, क्योंकि थोड़े गांव आ गए थे, तो गांव आने के बाद है ना थोड़े ब्रेकर हमें मिले, ब्रेकर मिलने के बाद है ना अब थोड़ा सा सीधा रास्ता मिल चुका है भाई, और अच्छा खासा भी है थोड़ा सा। तो भाई यहाँ पे अपनी बाइक चल रही है अभी 70-80 पे, और भाई साहब ऐसे अगर स्पीड मिलेगी ना मज़ा तभी आता है राइड करने में। माधव इस रास्ते से हड्डियाँ एक जगह पर आ जाएगी, पूरी हड्डियाँ टूट जाएगी। और फिर यार इतने खड्डे रहते हैं क्या यार, पूरे गड्ढे हो रखे हैं इस रास्ते से, और पूरी धूल उड़ रही है। गाइस ये खराब रास्ता जो है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है यार। लगभग 10-15 किलोमीटर से पूरा का पूरा ख़त्म ही नहीं हो रहा रास्ता। और ये देखो भाई गोदावरी रिवर क्या मस्त व्यू है यार, ये एकदम बढ़िया सा कैसा लग रहा है यार माधव, कैसा बढ़िया व्यू आ रहा है। हाँ एकदम से झकास व्यू आ रहा है। कौन सा गांव है यार ये पता नहीं है गाइस हमें भी इस गांव का नाम, बट व्यू जो है ना एकदम बढ़िया आ गया यार। गाइस इस गांव का नाम जो है ना अमदुरा है, अब हमें पता चल चुका है अमदुरा। तो भाई साहब अब थोड़ा सा गांव में रास्ता अच्छा मिला, बट बाकी तो अच्छा है या नहीं है वो तो भगवान जाने यार। गाइज अब ऐसा रास्ता लग चुका है ना मुझे यार, एक साइड से रास्ते का काम चालू है, और एक साइड से है ना पूरा रास्ता खोद रखा है। तो भाई इतनी तकलीफ़ हो रही है बाइक चलाने में, पूरी है ना बाइक इतनी वाइब्रेट हो रही है ना,
ये छोटे छोटे गड्ढे है ना, इससे बाइक इतनी वाइब्रेट है क्या बताए। अगर ऊपर से बाइक ली ना तो ऊपर से कीचड़ उड़ेगा रंग पे, और भाई बाद में ना वो कपड़े पूरे ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैंने नीचे से लिया। बट नीचे से वाइब्रेशन है ना, पूरे मेरे हाथ ऐसे थरथर थरथर काँप रहे हैं। आज तो गई अपनी बाइक तो गई काम से, क्योंकि यार बाइक के पूरे पूरे नट बोल्ट ढीले हो जाएंगे, इतना वाइब्रेशन आ रहा है। गाइज अब हम पहुंच चुके हैं मुखेड़ में 5:40 पे, और भाई 5:45 हैं, 5:40 हो चुके हैं। और भाई अब उस रास्ते ने है ना यार पूरी की पूरी है ना हड्डी पसली एक कर दी, और ऐसा रास्ता मिलता तो मुझे कुछ तकलीफ नहीं होती थी। बट क्या हुआ उस रास्ते से ना पूरा का पूरा रास्ते का काम जो नांदेड़ से लगभग मुखेड़ था, पूरा का पूरा रास्ता कंस्ट्रक्शन के लिए ना उन्होंने उखाड़ दिया है। उखाड़ने के बाद तो भाई तुम्हें तो पता ही है क्या होता है क्या नहीं, पूरा रास्ता ख़राब है। अब मुखेड़ में एंट्री हो चुकी है, मुखेड़ से अब अच्छा रास्ता मिलने वाला है हमें। सिटी के अंदर तो आ चुके हैं, देख लेते हैं अंदर से। अब उमरी जाएंगे, तो भाई अब हम लग चुके हैं उमरी रोड के लिए, उमरी धर्माबाद रोड के लिए। ओ भाई साहब ऐसा रास्ता चाहिए था मुझे आने के लिए, बट क्या करें यार पूरा का पूरा रास्ता उखाड़ के फेंक दिया है ना उन्होंने, तो क्या कर सकते हैं उसमें। इतनी तकलीफ मिल रही थी उस रास्ते पे, क्या बताऊँ, हड्डी पसली एक हो गई। माधव भैया तो रो रहे थे कि भाई इस रास्ते से खामखा आ गए, परेशानी हो गई, ऐसा कह रहे थे। तो ये किसको होना किसको पता था कि वो रास्ता पूरा का पूरा ख़राब है। अगर पता होता तो उस रास्ते का मैंने यूज़ ही नहीं करता था, वो दूसरे रास्ते से आ जाता था। बट क्या है पता नहीं था इसलिए आ गए। तो आने के बाद है ना जाना तो पड़ता ही है, बट दूसरा रास्ता भी नहीं था, जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से दूसरा रास्ता भी मिलना चाहिए था। तो भाई अब हम निकल चुके हैं मुखेड़ के बाहर, ये देखो भाई, और भाई रास्ता एकदम बढ़िया सा मिल चुका है। अब भाई साहब अब हमें मिलने वाला है ये जो रास्ता है ना उमरी तक, ऐसा का ऐसा ही मिलने वाला है, पूरा रास्ता ऐसा ही है। और माधव भैया बैठ गए भाई पीछे आराम से, अब माधव भैया को सुकून मिल चुका होगा, क्योंकि यार इतना घटिया रास्ता था वो कि पूरा का पूरा रास्ता उगाड़ के फेंक दिया था। तो यार ऐसे रास्ते पे आदत है हमें बाइक राइड करना, और राइडिंग में है ना यार उस रास्ते पे मज़ा नहीं आता, जब तक ऐसे रास्ते नहीं मिलते ना तब तक मज़ा नहीं है रास्ते में राइड करने में। भाई साहब कैसे खतरनाक मोड़ है यार, देखो भाई लगभग 2 साल पहले आया था मैं धर्माबाद के लिए, और 2 साल के बाद अब जा रहा हूँ धर्माबाद के लिए, जो कि माधव भैया के घर के लिए जाना है। घर के लिए मतलब उनके गांव के लिए जाना नहीं है, बट धर्माबाद में हमारा थोड़ा सा काम है, एक काम है वो अब कल बता दूंगा आपको, कल के ब्लॉग में, उसी सिलसिले में जा रहे थे हम। चलो ऐसे बोलते हैं यार रास्ता, तो माधव भैया आराम से बैठ चुके हैं। एक बार मिरर में देखा देता हूँ, वो देखो भाई मिरर में देख लो, आराम से बैठ चुके हैं। बोल्ट की स्पीड दे रखी है मगर अपनी स्पीड है 80 की, लगभग दुगनी स्पीड है अपनी। आगे आगे कार करो, ये शुगर फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री करने वाली है भाई। जितना भी होगा ना दिन का पूरा शूट ले लूँगा, बाकी जो शूट है नाइट का आ जाएगा। नाइट के शूट तो मैं कम ही लेता हूँ, नाइट का व्यू आपको कम दिखाऊँगा, क्योंकि नाइट का व्यू ज़्यादा दिखाने में कुछ मतलब नहीं होता है, विजिबिलिटी बहुत ही कम होती है ना। तो भाई ख़तरनाक व्यू ये देख लो भाई, कैसा ख़तरनाक व्यू आ चुका है यहाँ पर। ये देखो भाई मोड़ इतने ख़तरनाक है, क्या बताऊँ इससे वोटक मार लेते हैं।
वोल्टर मारना भी है ना यार, फट से अगर निकल गए तो ठीक है, नहीं निकल गए तो यार बीच में दोनों के बीच में है ना किसम क्या हो गया। गाँव का रास्ता है, थोड़ा देख कर चलाना पड़ेगा और बीच में कोई ना आ जाए। ये देखो भाई, बिना देखे समझे सोचे समझे निकल गया, इसको पता नहीं था कि क्या रास्ता क्रॉस कर रहा है क्या नहीं। ऐसे ही लोग करते रहते हैं हमारे यहाँ पे, तो हम खुद को है ना संभाल के चलाने पड़ते हैं। बाद में बोलते हैं कि यार मेरी गलती नहीं थी भैया, आपने उड़ा दिया क्या। बोले ये चेक करो गाइस, कैसा ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, और उमरी यहाँ से है ना 10 किलोमीटर से, और भाई ये बीचों बीच से ले रहा है माँ का भोसड़ा। इसके सालों को क्या पता है दिक्कत क्या होती है क्या नहीं पता नहीं यार। ये जो है ना बंदे पूरे के पूरे रॉन्ग साइड में लेते हैं, और रोड के बीचों बीच से लेने से इनको क्या फ़ायदा मिलता है मुझे तो नहीं पता। गाइस कमेंट बॉक्स में बता दो इनको क्या फ़ायदा होता होगा क्या नहीं। दूसरों के जान खतरे में डालते हैं, बाद में बोलते हैं कि यार मेरी गलती नहीं थी, मेरे साइड में था, ऐसा बोलते हैं। बट क्या है यार, जब आप है ना बीचों बीच से साइड रास्ते में लेते हो ना, तो कभी कभी है ना आपकी गलती की वजह से ना दूसरों को भुगतना पड़ता है। सनलाइट हो रहा है, और भाई अभी टाइम हो गया है सनलाइट होने का पूरा सनलाइट हो गया है, और सनलाइट होने से पहले हम उमरी में पहुंच जाएंगे या नहीं पहुंच जाएंगे मुझे तो नहीं पता। बट उमरी यहाँ से 7 किलोमीटर बाकी है अभी, और उमरी से धर्माबाद तो बहुत ही है, मतलब हम तो नाइट में ही पहुंच जाएंगे वहाँ पे, टाइम पे तो नहीं पहुंचेंगे। इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाएंगे, सनलाइट होगा और रात होगी, और अभी मुझे एक घंटे के आसपास तो टाइम लगेगा ही लगेगा धर्माबाद पहुंचने के लिए। जितना हो सके उतना कवर करता हूँ, बट उस रास्ते ने हमारा टाइम ज़्यादा खा लिया। गाइस जी यहाँ पे है ना थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक ले लिया है, और एग्जैक्ट टाइम हो गया है गाइस 6 बज चुके हैं, और 6 बजे अभी तक हम उमरी के बिल्कुल बाहर आए। बट ऐसे उमरी 2 किलोमीटर के आसपास है, बाहर इसलिए खड़े हुए थे कि यार थंबनेल के लिए फ़ोटो वोटो ले लिया, और भाई अब निकलने का टाइम हो गया था, मैंने कहा यार चलो निकल लेते हैं अब, क्योंकि 6 बजे अब निकल चुके हैं यहाँ से। थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए ब्रेक ले लिया, अब एग्जैक्ट 6 बज चुके हैं, और यहाँ पर अभी ट्रेन की पटरी लग चुकी है, हमें आगे ट्रेन की पटरी है। उमरी यहाँ से 2 किलोमीटर, ओ भाई साहब, हाँ चलो अभी यहाँ से है ना नीचे से रास्ता अंडरग्राउंड से दे रखा है इन्होंने, अच्छा हो गया यार इन्होंने नीचे से रास्ता दे दिया। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं उमरी सिटी में, और उमरी सिटी ये देखो, ये है उमरी सिटी, और भाई काफी अच्छी सिटी है, और अभी जस्ट हम पहुंच चुके हैं 6:10 पे, 10 मिनट लग चुके यार यहाँ तक आए में, क्योंकि यार धीरे धीरे ले गया आ गया मैं बाइक अपनी। माहौर यहाँ से कितना है 150, और भोकर यहाँ से 24। ओके गाइस माहौर अभी यहाँ से जाएंगे ना, हाँ तो यार चलो धर्माबाद यहाँ से 40 किलोमीटर है, अब यहाँ से सीधा जाएंगे, हाँ सीधा ये ऊपर, हाँ यही जाएगा ना, एक उधर से भी आता है ना, उधर से एक आता है माहौर रोड जो है ना वहाँ से भी आता है, भोकर से जाएंगे बोला, नहीं नहीं भोकर रास्ते से एक अंदर आता है, वो भी रास्ता अच्छा खासा है। तो गाइस अब हमने ले लिया उमरी के बाहर आने के बाद एक शॉर्टकट रास्ता, और ये शॉर्टकट रास्ता जाता है धर्माबाद, जो मेन रास्ता है ना उसी रास्ते के से कनेक्ट होता है। ये तो मुझे नहीं पता था, माधव को पता था, माधव भैया ने कह दिया कि यार ये रास्ता अच्छा रहेगा हमारे लिए, तो भाई उनके कहने पे मैंने ये रास्ता ले लिया। भाई अब ये रास्ता कहाँ पे कनेक्ट होगा ये तो, इसका तो कोई मुझे आइडिया नहीं है,
माधव भैया को पूरा इसका आइडिया है, बट अब उससे भी चौड़ा रास्ता लग चुका है, जो पीछे रास्ता था उससे काफ़ी चौड़ा रास्ता है। और भाई ये कहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा उस रास्ते पे हाईवे पे मुझे नहीं पता, बट देख लेते हैं जहाँ पे भी कनेक्ट हो जाएगा वहाँ पे। अभी सनलाइट पूरा हो चुका है, सनलाइट हो चुका है। और भाई अब है ना यहाँ से, अब ये देखो पूरा का पूरा व्यू कैसा आ रहा है, शाम हो चुकी है पूरी, और थोड़ी देर में अंधेरा छा जाएगा। और मुझे इस रास्ते का कोई भी आइडिया नहीं है गाइस। अब हम गांव-गांव से होते हुए ना उस धर्माबाद के जो मेन रास्ता है ना उस रास्ते से कनेक्ट होने के लिए निकल चुके हैं, बट यार मुझे नहीं एक्चुअली पता कि वो रास्ता कहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। बट ये जो छोटे छोटे गांव है ना उन गांव से है ना ये रास्ता जा रहा है, कनेक्टिविटी हमें नहीं पता कि कहाँ पे है क्या नहीं, बट दो तीन गांव लग चुके हैं मुझे अब। और माधव भैया ने कह दिया कि यार इस रास्ते से ले लो, तो मैंने ले लिया। वो अब कह रहे हैं कि धर्माबाद के लिए सीधा जोड़ देंगे ये रास्ता, बट मुझे तो नहीं पता कि धर्माबाद आएगा या नहीं आएगा इस रास्ते से। आएगा वो पीछे बैठ कर बोल रहे कि आएगा, अच्छा वो भी कंफ्यूज है कि इस रास्ते से बाइक लेकर कंफ्यूज है वो भी कि ये कहाँ पे कनेक्ट होगा, एक्चुअली उन्हें भी कंफ्यूजन है। बट हमने तो ले लिया है, अब देख लेंगे कि वो मेन रास्ता कहाँ पे मिलता है। अच्छा उस रास्ते से वो जो मेन हाईवे है उससे पहले पहुंच जाएंगे हम, अच्छा ठीक है भाई देख लेते हैं क्या है क्या नहीं, गांव-गांव से होते हुए निकल जाएंगे भाई। ये अच्छा है कि गांव-गांव से होते हुए जा रहे हैं, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है कुछ भी नहीं है, एकदम शांत रास्ता है पूरा। ओ भाई इतना बड़ा खड्डा, ओ चलो गाइस। जब माधव भैया कह रहे हैं कि यार इस रास्ते से ना उस मेन हाईवे से कनेक्ट नहीं होंगे, सीधा डायरेक्ट धर्माबाद के लिए निकल जाएंगे ऐसे कह रहे हैं, बट यार मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि कनेक्ट होंगे या नहीं होंगे, बट अब वो भी कह रहे हैं कि यार नहीं कनेक्ट हो सकते। तो भाई ऐसे छोटे छोटे रास्ते से ना जाना पड़ रहा है, और ये गाँव के रास्ते हैं तो गाँव के रास्तों का काम भी चालू है। ये देखो भाई अब शॉर्टकट रास्ते ऐसे ही होते हैं। अब माधव भैया ने कह दिया कि यार नहीं उस रास्ते से कनेक्ट नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते भाई क्या कर सकते हैं। मुझे लग रहा था कि उस रास्ते पर कनेक्ट हो जाएंगे कहीं ना कहीं तो, बट कनेक्ट नहीं हो सकते तो डायरेक्ट सीधा अपने धर्माबाद में ही जाएंगे ऐसे बोल रहे हैं। अब देखेंगे यार आगे आगे क्या होता है, तो मुझे तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाइक में पेट्रोल भी कम है, पेट्रोल भी नहीं भरवाया हमने, और ऐसे खेत खलिहानों से जंगल से होते हुए ना पता नहीं यार पहाड़ी इलाके से लेकर जा रहे हैं, और पूरा जंगल का एरिया लग रहा है मुझे तो। गाइस अब पड़ चुका है अंधेरा, और अंधेरे में है ना अब हम निकल चुके हैं धर्माबाद के लिए, जो कि ये पिंपल गांव नाम का एक छोटा सा गांव गया पीछे, उसी गांव से अब निकल चुके हैं। माधव भैया ने लेकर आ गया शॉर्टकट रास्ते से, बट रास्ते में है ना ये रास्ते का काम चालू है, तो काम चालू होने की वजह से ना थोड़ी बाइक अपनी धीरे धीरे लेके जानी पड़ रही है, तो इसलिए ना मैंने हजार लाइट लगा दी है। अपने हजार लाइट अपनी जो होती है ना सेफ्टी के लिए अच्छे होते हैं। तो गाइज माधव भैया कह रहे थे कि यार इस हाईवे से कनेक्ट नहीं हो जाएंगे, बट एक्चुअली क्या हुआ घुमा फिरा के वही हाईवे पे आ चुके हैं, और ये हाईवे अब लग चुका है। ये देखो गाइज ये पूरा हाईवे लग चुका है, अब आपको विजिबिलिटी कम है और कैमरे में कम दिखाई दे रहा है इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा, बट ये पूरा हाईवे जिस हाईवे का मैं जिक्र कर रहा था, जिस हाईवे की मैं बात कर रहा था, उसी हाईवे पे आना पड़ा भाई, घुमा फिरा के आना पड़ा। माधव भैया कह रहे थे कि नहीं आएंगे नहीं उस हाईवे पे, बट एक्चुअली आ रहा गए उसी हाईवे पे। गाइस सब है ना हवा इतनी ठंडी लग रही है कि क्या ही बताया भाई, लगभग हमारे यहाँ का टेम्परेचर है ना यार 10-12 के आसपास टेम्परेचर है, इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और यहाँ से अब धर्माबाद है ना 6 किलोमीटर के आसपास है, हमने यतारा से मुझे लगा था कि 2-4 किलोमीटर होगा, बट 6 किलोमीटर के आसपास अभी बचा हुआ है, अब देख लेते हैं कितना टाइम लगता है क्या नहीं। बट हमें दिखाई दे रहा था कि भाई मुझे लगा कि भाई धर्माबाद है, बट माधव ने बताया कि यार धर्माबाद नहीं है यतारा है, यतारा कुछ तो ऐसे कुछ गांव के नाम भी अलग अलग है भाई। अभी यहाँ से धर्माबाद 5 किलोमीटर बाकी है, अभी 1 किलोमीटर तो हमने ऐसे ही निकाल दिया। अब देखो भाई अपनी बाइक जो चमक रही है ना बिल्कुल पुलिस वैन की जैसे चमक रही है यार, अगर लाइट भी लगा दी है और बीच में दूसरे लाइट भी है जो कि ब्लू लाइट है, एकदम बढ़िया से चमक रही है। ये देखो भाई कैसे लग रही है ये चिकरों का, ये क्या बढ़िया लग रहा है यार, रात में व्यू जो है यार
हजार लाइट का अच्छा आ गया था, बट रोड का व्यू कुछ भी नहीं दिखाई देता, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। देख लो भाई, यहाँ से बासर जो है 24 और कुंदा कुर्ती वो 140, यानी ये लगभग 14 किलोमीटर। अब डालेंगे नहीं डालेंगे, पहुँच तो गए हैं, बाद में देख लेंगे। सिटी के अंदर तो पहुँच गए, अभी अविनाश को कॉल कर लेंगे और अविनाश को बुला लेंगे, और उसके घर पे ही जाना है, खाना वाना तो वही खा लेंगे, बाकी का देख लेंगे क्या सोना कहाँ पे है क्या नहीं, उसके बाद देख लेंगे क्या है क्या नहीं, उसने क्या अरेंजमेंट की है मुझे भी नहीं पता एक्चुअली। अब अविनाश के घर पे आ चुके हैं, और अविनाश का घर जो है ये रहा उसका घर, और भाई बाहर ही बाइक अब लगा दी है, और ये रहा अविनाश, ये रहा माधव, और तो अविनाश के घर पे अच्छा वेलकम कर रहे हो। तो खिचड़ी बनाए भैया, अभी फर्स्ट क्लास खिचड़ी बना के अपन जाएंगे डांस देखने के लिए। ठीक है, तो भाई अभी है ना खाना खा लेंगे अविनाश के घर पे, और भाई इसने है ना 10-15 मिनट फोन ही नहीं उठाया, पहले कॉल कर रहा था कॉल नहीं उठा रहा था, तो भाई साइलेंट पे था या बाहर गया था कहीं भी, साइलेंट करना पड़ता है मेरे घर में। तो भाई अभी टाइम भी हो रहा है 7:05 हो चुके हैं, और भाई 2 घंटे के आसपास हमें टाइम लग चुका है यहाँ पे आने के लिए, लगभग वो जो रास्ता था वो ख़राब था इसलिए अभी टाइम लग गया। तो भाई अभी तो फाइनल पहुँच चुके हैं, अभी हेलमेट वेलमेट उतार दिया है ये रहा, तो इसको हो गई है सर्दी रास्ते में, और भाई चलो अभी खाने का इंतजाम कर दो। चलो अब अविनाश के घर के अंदर आ चुके हैं, और घर के अंदर बैठ चुके हैं, और यहाँ पे अपने माधव भैया है मोबाइल में गूंग है, और अविनाश भैया उनके साथ में बैठे हुए हैं। क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, खाना खाने का देख लो, खाने का इंतजाम कर दिया तूने, ठीक है। इस अभी यहाँ पे चावल बन रहे हैं, और मुझे नहीं पता था कि क्या क्या बन रहा है क्या क्या नहीं, बट अभी खाना खा लेंगे उसके बाद थोड़ा बाहर भी घूमने के लिए जाना है ऐसा अविनाश बोल रहा है, बट मुझे नहीं पता कहाँ जाना है क्या नहीं, सो अभी टपक से देख लेते क्या क्या है। सो गाइस अब आ चुके हैं एक हॉस्टल पे, जो कि अविनाश का पुराना जो कॉलेज था वहाँ पे हॉस्टल पे रूम है, और ये रूम जो थी पहले अपनी गिरी की थी, और यहाँ पे अभी आ चुके हैं, यहाँ पे 2 बेड लगा दिए और अपना हेलमेट वहाँ पे रख दिया है, और यहाँ पे चार्जर वार्जर सब कुछ इंतजाम कर रखा है अविनाश भाई ने पूरे। क्यों अविनाश भाई, हाँ अविनाश भाई यहाँ पे आते ही लेट गए। खाना कैसा लगा भाई हमारे घर का? अच्छा, बिल्कुल अच्छा था, एकदम बहुत बढ़िया था। यहाँ पे खिचड़ी जो बनाई थी ना चावल, इतनी अच्छी बनी थी, और भाई मैंने तो भरपेट के खा लिया, तो ऐसे नींद आ रही है अब, क्या कर सकते हैं, अब नींद। डांस तो देखने जाएंगे भाई, बट राइडिंग का ब्लॉग जो था अब यही पे एंड करेंगे, और यहाँ पे आराम करेंगे। तो यहाँ पे अभी ये करेगा कपड़े चेंज, तो इसने कपड़े ला लिए हैं, मैंने तो नहीं लाए। नहीं यार मुझे पहनना नहीं है, क्योंकि पहले ही सर्दी लग चुकी है। तो भाई अब यहाँ पे आराम कर लेंगे। सो वाइज फाइनली अभी खाना वाना तो हो गया है, अब आराम करने का टाइम भी हो चुका है। सो भाई रात के बज चुके 8:30, और 8:30 बजे अपने ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक शेयर एंड चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यार आप लगभग 79% लोग चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करते, इसका रीजन क्या है पता नहीं है। ब्लॉग अगर पसंद आते हैं या नहीं आते वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो भर भर के। सो भाई मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय।